सारे लग रहे थे कि नीतीश का सीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा। बड़ा अच्छा आपने सवाल कर दिया। आपको जान करके, वैसे व्यक्ति से आप सवाल कर रहे हैं, मटेरियल कैसे बनता है? बालू होता है, गिट्टी होता है, सीमेंट होता है, छड़ होता है, तो मटेरियल का मंत्री तो आपके सामने बैठा हुआ है। वो मटेरियल है ये जब तक, वही तो मैं कह रहा हूँ, तो पत्थर और पहाड़ और ये बालू का मंत्री से ये सवाल कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यह देश के लोगों ने 14 से 19, 19 से 24 और 24 से 29 तक ये सीटें फुल कर चुकी है। अभी तो 24 खत्म होने वाला भी अभी समय है, लेकिन 24 और 29 भी देश की जनता ने तय कर दिया है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में देश परम वैभव पे विश्व का गुरु बनने का अगर सपना अगर सच में साकार होगा तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही है, और बिहार के मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 13 करोड़ जनता को मसीहा के रूप में बिहार में जाने जाते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका भी काम सरकार 5 साल करते। अरे विपक्ष को सपना भी नहीं देखना चाहिए, 15 अगस्त को तो उन्होंने झंडा फहराने की सपना देखा था। मुझे लगता है कि ऐसे संघर्ष से अगर निकल कर के कोई व्यक्ति कहता है, अगर सपना देखता है, तो सच में साबित होता है। जिस व्यक्ति को आपने ये सवाल कर रहा है उसी गोपालगंज से निकल करके आया, लेकिन वो गरीबों की बात करने वाली पार्टी, इन गरीबों जनक चमार के ऊपर उनका ध्यान नहीं गया, ध्यान गया भारतीय जनता पार्टी को, मजदूर के बेटा जनक चमार को संसद सदस्य भी बनाया, और किसी सदन में सदस्य न रहते हुए बिहार सरकार में मंत्री का ओथ भी दिलाया। तो धन्यवाद देना चाहते हैं आप चैनल के माध्यम से बिहार प्रदेश के समस्त जनता को और भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ नेतृत्व और केंद्रीय और राजनेतृत्व को कि गरीब की बात, सर्व समाज की बात अगर करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। दोनों सवाल आपने क्या कि कार्रवाई भी हो रही है, रुक भी नहीं रहा है। कार्रवाई करने के लिए सरकार तत्पर है। आपने देखा होगा कि आजाद भारत में और बिहार प्रदेश में लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चल रही है, सबसे बड़ी अभी कार्रवाई हुई है। वो IAS अधिकारी हो, IPS हो, BPSC हो, कोई भी अधिकारी, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी तो बार बार कहते हैं कि न्याय के साथ सुशासन की सरकार, न हम बजाते हैं, न फंसाते हैं, न छोड़ाते हैं। जो अच्छा काम पदाधिकारी करते हैं उनको अच्छा सम्मान मिलता है, जो काम गड़बड़ करते हैं उनको आप देख रहे हैं कि किस तरह से कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इतना ही नहीं, आज तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं, कई पेपरों में निकला है कि जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई थी आर्थिक अपराध के तहत, अब उनकी संपत्ति भी जांच चल रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो अवैध तरीके से संपत्ति को अर्जित लोगों ने किया था उनकी संपत्ति भी जब्त होने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन अभी भी कई ऐसी जगह हमारे लोगों को किया है कि अगर कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आपको जानकारी मिल रही है तो आप व्हाट्सएप करें, मुझे सरकार के करीब पहुँचाए और उस पर कार्रवाई 24 घंटे के अंदर मैं करता हूँ। कहीं भी किसी अंचल और प्रखंड में इस तरह की बात मुझे अगर जानकारी मिलती है तो 24 घंटे के अंदर वहाँ कार्रवाई होती है।